लास्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे ना जरा, तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूँ ना। लिखो तो जरा छोटा छोटा क्वेश्चन पहले, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी पी आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस एट के कैप। इफ वेक्टर ए इक्वल टू फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी पी आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस एट के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बहुत छोटा सा है ना, ये सब छोटा छोटा सा कंसेप्ट है, रिलेटेड क्वेश्चन है, तरह बनाइए जरा, बताइए जरा। कभी भी अगर ए वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहा होगा वेक्टर बी का, तो व्हाट अबाउट देयर डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज व्हाट, जीरो, एम आई राइट? व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। देखो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी बोला है परपेंडिकुलर ना, तो यहां पे भी क्या करोगे, ए डॉट बी जीरो हो जाएगा ना जी, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जीरो। ए डॉट बी करने आता है ना, याद करो, ए के स्केलर कंपोनेंट्स को बी के स्केलर कंपोनेंट से प्रोडक्ट करके शमी ना करते हो, तो क्या 5 इंटू पी दैट इज 5 पी माइनस 3 इंटू, याद है ना, अगर दिक्कत होता होगा कुछ बच्चे को तो देख लो ध्यान से, ऐसे करो आप लोग 5 इंटू क्या पी, वेरी गुड, प्लस माइनस 3 इंटू व्हाट 5 प्लस 4 इंटू माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसका स्केलर कंपोनेंट्स 5 माइनस 3 और 4 ही ना है बाबू, और इसका स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, p 5 और माइनस 8। इसके स्केलर कंपोनेंट को इसके स्केलर कंपोनेंट से प्रोडक्ट करना है ना, लेकिन याद रखना i कैप को i कैप में, j कैप को j कैप में, और k कैप को k कैप में करेंगे, क्लियर है? अब बताओ क्या हो जाएगा, 5 इंटू पी दैट इज 5 पी माइनस 15 दैट इज व्हाट माइनस 32 इक्वल्स टू 0। फर्दर यू कैन, कितना हो जाएगा बाबू 47 क्या, तो p का वैल्यू कितना आ गया बाबू 47 अपॉन p, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत, सॉरी 47 अपॉन 5 ना, यस, तो 47 अपॉन 5 यही हो गया आंसर, याद रहेगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू, देखो दिया हुआ वेक्टर फाइव फाइव कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, वेक्टर ए इक्वल्स टू फाइव फाइव कैप, वेक्टर ए इक्वल्स टू फाइव फाइव कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल टू फाइव फाइव कैप माइनस फोर जे कैप प्लस k कैप। इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 5 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, कॉमा b इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, एंड वेक्टर c इक्वल्स टू 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस k कैप, एंड a प्लस लैम्डा, वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर, वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इफ वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखो क्या कह रहा है, देख रहे हो ना, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी भी दिया हुआ है, और क्या बोला है, ए प्लस वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इज इट? कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें वेक्टर सी के साथ, तो दैट विल बी जीरो और नॉट, बिकॉज सम ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर, ऐड करो दो वेक्टर को ना, ऑब्वियस दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ए वेक्टर ही ना होगा कोई, इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो अब बताइए जरा, a प्लस लेमडा बी तो चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं या आप लोग लिख सकते हैं, आप बताइए, a प्लस लेमडा बी तो लिख लोगे ना बाबू, बताइए 5 प्लस 2 लेमडा
फाइव प्लस टू लेमडा आई कैप होगा क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? देखो ए प्लस लेमडा भी अगर लिखना है तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो ऐसे ए प्लस लेमडा भी। बताइए वेक्टर ए कितना है बाबू? फाइव आई कैप प्लस सॉरी माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी कितना है? टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। बताइए क्या हो जाएगा बाबू? फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस टू लेमडा आई कैप माइनस थ्री लेमडा जे कैप प्लस टू लेमडा के कैप। ये लेमडा इज स्केलर क्वांटिटी। अब क्या कीजिएगा, याद है ना एडिशन, ये सब तो इजी ना हो गया आप लोग के लिए। बाबू क्या हो जाएगा? फाइव प्लस टू लेमडा आई कैप। वेरी गुड। यहाँ पे देखो जे है ना प्लस माइनस थ्री जे प्लस टू लेमडा, सॉरी माइनस थ्री ना, माइनस थ्री प्लस थ्री लेमडा ना, माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री लेमडा, कौन सा गैप? जे कैप। और के कैप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? फोर प्लस टू लेमडा इंटू व्हाट? के कैप। यही ना होगा बाबू, ये कोई दिक्कत है इसमें? आई कैप को आई कैप में ऐड करेंगे, जे कैप को जे कैप में, और के कैप में ही तो ऐड करा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो यही बोला गया है, ऑब्वियस एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी का ना बोला गया है कि ये वेक्टर जो है किस वेक्टर का परपेंडिकुलर है? वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं? अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं ना आप लोग, फाइव प्लस टू लेमडा आई कैप प्लस क्या है, माइनस थ्री लेमडा जे कैप प्लस फोर प्लस टू लेमडा के कैप। इट इज मेड टू डॉट विथ व्हाट? वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या है बताइए? वेक्टर सी क्या है बाबू? फाइव फाइव कैप माइनस फोर जे कैप प्लस के कैप। चलो क्या हो जाएगा? एक किसके बराबर हो जाएगा बाबू? जीरो ना। चलिए बताइए अब क्या हो जाएगा बोलो? फाइव इंटू फाइव प्लस टू लेमडा, वेरी गुड, प्लस माइनस थ्री लेमडा इंटू माइनस फोर ना, प्लस फोर प्लस टू लेमडा इंटू क्या? के। फोर प्लस टू लेमडा तो वन ही ना, इक्वल्स टू जीरो। अब तो कर सकते हो ना, फाइव फाइव जा जी 25 प्लस टेन लेमडा, मैं ही करूं माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस प्लस हो गया ना, 12 प्लस 12 लेमडा। फिर बताइए क्या हो जाएगा? फोर प्लस टू लेमडा इक्वल्स टू जीरो। बताइए क्या होगा? 25 12 फोर 39 हो गया क्या? 25 और फोर 31, सॉरी 29 और 12 31 ना, 41 ना, 41। ये 10 लेमडा 12 लेमडा और 2 लेमडा 24 लेमडा प्लस 41। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना जरा उस पर, मैं कैलकुलेशन सिखलाने नहीं आया हूँ, ठीक है? तो लेमडा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 41 अपॉन 24। एम आई राइट और नॉट? इज दिस इजी फॉर यू? समझ आया ना? बहुत इजी चीज है ना ये सब, इसमें कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं, बहुत इजी चीज है सब। कभी भी कुछ बोल दे, कभी भी याद रखना, कभी भी कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, वेयर ए इक्वल्स टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टेन के कैप, माइनस टेन के कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेयर वेक्टर ए इक्वल्स टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टेन के कैप। बताइए ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, पढ़े हो ना? तो बताइए यहाँ ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप कॉस थीटा इक्वल्स टू तो लिख ही सकते हो ना बाबू, क्या ए डॉट बी अपॉन व्हाट? ए बी आता है ना सर? अब बताओ आप, ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है डॉट बी निकालना आपके लिए?
कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, ए डॉट बी। तो कीजिए जरा, थ्री और माइनस सिक्स आता है ना लिखने, थ्री इंटू व्हाट माइनस सिक्स, प्लस माइनस टू इंटू व्हाट फोर, प्लस फाइव इंटू माइनस टेन, एम आई राइट। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी व्हाट, थ्री होल स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर प्लस व्हाट फाइव स्क्वायर, इज इट अंडर रूट ना। और इसका क्या होगा बताइए जरा, सिक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस व्हाट टेन का होल स्क्वायर। देखो जरा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थ्री सिक्स जा माइनस एटीन ना होगा है जी, ये कितना बाबू माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, एंड फाइव और माइनस टेन माइनस फिफ्टी क्या अपॉन में, ये बताओ तो नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी नाइन हो गया क्या, ये अंडर रूट ट्वेंटी नाइन हुआ क्या, थ्री का होल स्क्वायर नाइन ना, टू का होल स्क्वायर फोर ना, अब फाइव का होल स्क्वायर कितना ट्वेंटी फाइव, ओ सॉरी ट्वेंटी फाइव और फोर ट्वेंटी नाइन और नाइन थर्टी एट हुआ ना, गुड अंडर रूट ऑफ थर्टी एट। एंड व्हाट अबाउट दैट, थर्टी सिक्स प्लस हंड्रेड वन फिफ्टी टू। देखिए अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू, बताइए जरा ए माइनस एट और एट, माइनस ट्वेंटी सिक्स और माइनस फिफ्टी माइनस सेवेंटी सिक्स, अपॉन में सॉल्व कीजिए सेवेंटी सिक्स आ गया, माइनस वन आंसर नहीं हो गया। तो कॉस थीटा माइनस वन आया, कॉस थीटा क्या आया आपका जी माइनस वन, तो कॉस थीटा अगर माइनस वन आया तो इसका मतलब क्या, याद कीजिए कॉस थीटा किसके बराबर, कॉस पाई के बराबर ना, माइनस वन किसका वैल्यू होता है कॉस पाई का ना, तो थीटा किसके बराबर हो गया बाबू पाई के बराबर, मतलब 180 डिग्री एंगल होगा ना इसके बीच, बात समझ आया। जैसे अगर आपसे पूछ देता, सोचिए जरा ये समझ आया ना सबको, क्या करोगे स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो ले लोगे, अगर स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो आया और कांस्टेंट रहा, वो पॉजिटिव कांस्टेंट रहा तो एंगल जीरो डिग्री, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट रहा तो एंगल जीरो डिग्री, नेगेटिव कांस्टेंट रहा तो क्या 180 डिग्री। जैसे आप देखिए, अब आप लोग ओरली बता सकते हो, देखिए अब बता, जैसे रहता है यहाँ वेक्टर ए इक्वल्स टू बोल देता आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू बोल देता मान लेता हूँ फोर आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस ट्वेंटी के कैप, वेक्टर सी इक्वल्स टू बोल देता माइनस थ्री आई कैप माइनस थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप और माइनस फिफ्टीन के कैप, बता देते आप लोग डायरेक्ट कि नहीं, बोला जाता आपको ए और बी के बीच कितना एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना एंगल जीरो डिग्री, देख रहे हो रेशियो आ रहा है ना, वन अपॉन फोर टू अपॉन फाइव अपॉन ट्वेंटी, वन अपॉन फोर ही ना रह रहा, ये दोनों के बीच कितना एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज व्हाट, ए एंड सी इज व्हाट जीरो डिग्री, क्यों पता चला ना, रेशियो निकाले आपको पॉजिटिव कांस्टेंट आया ना, किसका रेशियो निकाले स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो लिए रेस्पेक्टिव का ना। अब बताओ इन दोनों के बीच एंगल बिटवीन अगर पूछ देता आपसे वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, बताइए आप क्या रहता बाबू, फोर अपॉन माइनस थ्री, एट अपॉन माइनस सिक्स, ट्वेंटी अपॉन माइनस फिफ्टी, रेशियो कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं, क्या रेशियो रह रहा है फोर अपॉन थ्री नहीं रह रहा है, लेकिन वो नेगेटिव रह रहा है, क्या रह रहा है नेगेटिव, तो कितना हो जाता बाबू वो 180, समझ में आ रहा है ना, इतना चेक जरूर कर लेना ए एंड बी ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कभी भी अगर एंगल पूछेगा तो ये काम जरूर कर लेना ना, स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो जरूर लेकर के देखना, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट आया तो थीटा जीरो डिग्री, नेगेटिव कांस्टेंट आया तो एंगल 180 डिग्री। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर ए इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b वेयर वेयर वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, रेशियो मिल रहा है क्या कुछ, 2 बाई फाइव माइनस फाइव बाई थ्री खत्म ना, कोई रेशियो कांस्टेंट नहीं आने वाला है, तो निकाल लो एंगल, तो क्या करोगे बताइए,
कॉस थीटा इक्वल्स टू पढ़ाया गया है ना बाबू, ए डॉट बी इक्वल्स अपॉन ए इंटू बी। बताइए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बाबू, बोलिए। ए डॉट बी निकाल सकते हैं। अगर टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप दिया है, के कंपोनेंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये जीरो के रहा होगा ना। गुड, तो अब लिखने आता है आप लोग को बहुत आसानी से, टू इंटू फाइव प्लस माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू व्हाट वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज व्हाट टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस वन। शो cos theta will be equal to what? Further you can 5 2 are 10 na, 10 minus 15 minus 5 ho gaya kya, sorry 25, minus 5 into minus 3 plus 15 na upon under root 29, under root kitna 35, तो क्या हो गया बाबू, cos थीटा इक्वल्स टू 25 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू 35। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ व्हाट 25 अंडर रूट 29 प्लस सॉरी 29 इंटू 35। ऐसे तो इजी है, अब आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर, फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर, फाइंड द एंगल मेड बाई वेक्टर ए थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस फोर के कैप। फाइंड द एंगल मेड बाई वेक्टर ए इक्वल्स टू थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस फोर के कैप विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद करो आप लोगों को, रटने का कुछ जरूरत ही नहीं है, एक तो ओरली बनेगा सब ना। देखो ये क्या था आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन था, दिस वन इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब दो वेक्टर स्पेसिफाई करना है आपको। तो यार इसके अलावा यूनिट वेक्टर कौन सा कैप है आपका, आई कैप तो है ही ना। अगर आई कैप और इसके बीच अगर एंगल निकाल लीजिएगा तो निकल गया एंगल, याद रखो ये क्या है जे कैप और ये क्या है के कैप। और लास्ट क्लास अगर तुम लोग पढ़े होगे, घर पे जाकर रिवीजन नहीं किया लगता है, एक जनरल रिजल्ट ही नहीं डिराइव कर दिया था जी, ये वेक्टर क्या माना था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, पी वेक्टर पी कोस टू कंसिडर करा था, तो डायरेक्ट आंसर बताया गया था ना, कॉस अल्फा क्या आता ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट ओरली ना बोलते आप लोग, थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का अंडर रूट, यही रहा ना। अब आपका दो वेक्टर हो गया, वेक्टर ये तो कंसीडर है, कंसीडर किए ही वो पहले दिया हुआ है ना, ये थ्री आई कैप प्लस व्हाट फाइव जे कैप माइनस फोर के कैप। और वेक्टर बी जो रहा वो क्या है, इसके लोग कंसीडर कर लिए ना, कौन सा कैप माइनस आई कैप सॉरी वन आई कैप, क्या वन आई कैप, तो वन आई कैप लिखोगे तो इसको लिख सकते हो ना प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप जी। कॉस थीटा एंगल क्या होता है, कॉस थीटा यही ना होता है ए डॉट बी अपॉन व्हाट ए बी। अब बताइए ए डॉट बी करो तो जरा ये थ्री ही ना रह जाएगा, रेस्ट विल बी जीरो और नॉट, थ्री इंटू वन थ्री, फाइव इंटू जीरो जीरो, माइनस फोर इंटू जीरो जीरो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही वन होता है, ये तो वन ही ना रहा बाबू बी का, तो बी का वन वैल्यू रह गया, तो डायरेक्ट आंसर में लिख दोगे कितना, थ्री अपॉन अंडर रूट नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर प्लस सिक्सटीन फिफ्टी ना, तो क्या हो गया थ्री अपॉन फाइव रूट टू, क्या रहा कॉस थीटा का वैल्यू, ये निकला किसका वैल्यू निकला कॉस थीटा। तो अगर थीटा पूछा है तो कॉस इनवर्स ऑफ थ्री अपॉन फाइव रूट टू, एम आई राइट और नॉट। पूछता पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, क्या करते जे कैप ले लेते, समझ आया बाबू। इसके अलावा यूनिट वेक्टर कौन सा कंसिडर करे हो आप, वाई एक्सिस से अगर एंगल पूछता तो जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते ना जी, के कैप नेगेटिव वाई एक्सिस से पूछा तो माइनस जे कैप। अब तो समझ ही गए एक ही बात को क्या बार बार बोला जाए। तो अब बताओ तो ये वेक्टर बताओ कितना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पता चला अब देख करके बताओ जरा वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है,
5 अपॉन 5 रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 मतलब 45 डिग्री हो गया ना। बता तो जरा जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कॉस इनवर्स माइनस 4 अपॉन 5 रूट 2, क्लियर रहा कि नहीं? बताइए तो जरा, अगर समझे हो अच्छे से तो बताइए, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो वेक्टर ए, माइनस 3 अपॉन 5 रूट 2, कॉस इनवर्स ले लेंगे उसका ना। बताइए तो माइनस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 4 अपॉन 5 रूट 2, उसका कॉस इनवर्स ना, कॉस इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 5। देखिए तो एक क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलॉन्ग वेक्टर बी, एलॉन्ग वेक्टर बी वेयर वेयर ए इज इक्वल टू, वेयर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर कंपोनेंट पूछा है ना बाबू, किसका किसके अलोंग पूछा है बताइए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए। जैसे वेक्टर ए है आपका, यही ना वेक्टर ए है, और एक कौन सा वेक्टर है बी, याद है ना। यू हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ऑब्वियसली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर है बोथ थिंग्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट्स लेंथ विल बी सपोज ए, its length will be a, and what about its length, that will be b. If I have to find the projection of vector a along vector b or a scalar component of vector a along vector b, then how will you find it? Just you have to draw a normal from the top of the or from the tail of the vector a to the vector b, is that. So this will be what? Projection of vector A along vector B or not? अगर आप इसको consider भी कर लेते हो A theta रहा तो A क्या हो जाएगा बाबू? A cos theta होगा कि नहीं? अरे यही ना projection हुआ, कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर कभी भी आपसे बोले vector A का projection vector B के along बताइए तो क्या हो जाएगा? A cos theta। लेकिन आपसे vector component पूछा है, इसके along unit vector कौन सा cap? B cap ना? तो multiply कर देंगे B cap से, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो गया बताइए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर पता ही है ना, पढ़े हो ना, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए कैंसिल हुआ होगा, ए डॉट बी अपॉन व्हाट बी, तो क्या हो गया जी, ए डॉट बी अपॉन बी, इसको याद रखो यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना, ए डॉट बी कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मेरा काम तो यहीं से हो गया ना जी, क्या हो जाएगा बताइए, ए डॉट बी बताओ 1 × 3 है ना, -1 × (-1 × -2) (+2 × 4) अपॉन में करने आता है ना मैग्नीट्यूड जी, किसका मैग्नीट्यूड लेना हम लोग को, केवल बी का ना, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, 3² + 2² + 4² इस तरह का क्वेश्चन शायद मैं लास्ट क्लास में कराया हूं क्या, ओ तब रिपीट नहीं करूंगा, समझ आ गया था ना, ये बहुत आसान रहा कि नहीं रहा, ये कौन सा कंपोनेंट रहा, स्केलर कंपोनेंट, कौन सा रहा, स्केलर कंपोनेंट, लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट लिखना होता तो कैसे लिखते, याद है ना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर या ए अलोंग ना, ए अलोंग बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बताइए क्या लिखे हैं हम लोग, ए डॉट बी इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर, यही ना पढ़ाया गया था, याद है ना, कैसे आया था पता चला, कुछ खास नहीं था ना, देखो ये समझ आया आप लोगों को प्राची, आपको समझ आया, देखो ये तो समझ आया ना, ए डॉट बी, तो अगर आप इसको गैप करो, चलो अच्छा छोड़ो, वेक्टर कंपोनेंट लिखा गया तो ए डॉट बी अपॉन बी है ना, इसके अलोंग क्या ले लीजिएगा, बी के अलोंग ही ना यूनिट वेक्टर लीजिएगा, तो यूनिट वेक्टर बी के अलोंग क्या रहेगा बाबू बताइए,
बी वेक्टर अपॉन बी, तो क्या हो गया बी वेक्टर अपॉन बी। यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, किसमें फर्क पड़ता है डायरेक्शन, किसमें फर्क पड़ता है डायरेक्शन। अब समझ आया, अब क्या हो गया बताओ, ए डॉट बी तो स्केलर चीज है ना जी, ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या रहा बी अपॉन बी स्क्वायर, बी अपॉन बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और रिजल्ट था मैं बोला था याद है, आप लोग लिख लीजिए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, याद है क्या होता था बताइए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी तो क्या होता, वेक्टर ए माइनस दैट वेक्टर ए डॉट बी टू बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर, इज इट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, इसी को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ना, इसी को क्या बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर था ना और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, तो याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट अब अगर बात करोगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर आया है तो सोचो दो तरह का बात ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे गौर करना है, तो जितना सिंपल स्केलर था उतना सिंपल तो नहीं ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि इसके पास आपको तुरंत मैग्नीट्यूड के बारे में भी सोचना है और डायरेक्शन के बारे में भी सोचना है, ये क्या रहा बताओ जरा, वेक्टर है, वेक्टर का क्या रहा एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे गौर करना है, ध्यान देना जरा, जैसे ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर क्या है वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल पता तो करने आता है आप लोग को, किसी दो वेक्टर के बीच एंगल अगर पता करना है तो उनके टेल्स को कोइंसाइड करो, और वेक्टर्स डाइवर्ज कर रहे होते हैं, वेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं डाइवर्ज कर रहे होते हैं, याद करो तो आप इसको लिखे हो, ये क्या है ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ही नहीं रिप्रेजेंट करता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेरी गुड, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैं बोलूंगा इसी ऐसे ही लिखो ना, वो सब गया जमाना ना वो सब, लेकिन फिर भी कहीं मिल जाएगा देख लेना, क्या रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड व्हाट अबाउट द थीटा दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, याद रखना ना। अब देखो ध्यान देना, अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का, किसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एक क्रॉस की, समझ रहे हो ए वाला नहीं है याद रखना, ऐसे जो लिखते हो ना बचपन में पढ़े हैं ए बी का मल्टीप्लीकेशन, वो नहीं है, यहाँ पे वेक्टर है, देखो ये वेक्टर नोटेशन है ना, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, याद रखना ए क्रॉस बी की अगर बात करेंगे तो ये आता क्या है याद रखिएगा ए बी साइन थीटा, क्या है ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा ए बी और साइन थीटा ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना जी, ए भी एक नंबर बी भी एक नंबर और साइन थीटा रियल नंबर, सब नंबर ही, तो एक नंबर ही ना रहा ए रियल नंबर रहा, तो याद रखना ए क्रॉस बी का ये क्या देता है मैग्नीट्यूड दिया, ये क्या दिया मैग्नीट्यूड दिया, अब इसका डायरेक्शन बताना है हम लोग, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी तो स्पेसिफाई करोगे आप, तो डायरेक्शन बताने के लिए याद करो हम लोग किसका मदद लेते हैं यूनिट वेक्टर का मदद लेते हैं, किसकी मदद लेते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, क्यों, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड को अल्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो वन है, लेकिन जैसे ही चिपक जाता है कहीं पे तो क्या डायरेक्शन स्पेसिफाई करना शुरू कर देता है, डायरेक्शन बताता है, तो हमने क्या लिया इसका, इसका मैग्नीट्यूड ए रहा ना, अब इस पर अगर बात करा तो एन कैप डाल दिया, क्या डाला हमने एन कैप, अब एन कैप क्या है एक यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, अब वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, एन कैप यूनिट वेक्टर है तो कौन सा यूनिट वेक्टर है याद रखना, एन कैप क्या है याद रखिएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी, प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी अगर किसी प्लेन में लाई कर रहा है और बी से दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में ही लाई करेगा, मान लेता हूँ ए क्रॉस बी है या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है इसी प्लेन में लाई कर रहा है, बोर्ड के प्लेन में ही ना लाई कर रहा है, तो या तो अंदर जा रहा होगा बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर या बोर्ड के बाहर आ रहा हो, या तो अंदर जा रहा होगा या तो बाहर ही ना आ रहा होगा इसमें जी, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे समझेंगे जरा ध्यान, तो ध्यान देना ए तो याद रखना ए क्रॉस बी क्या रहा किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रहा,
ए क्या दे रहा है जी, मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या दे रहा है, डायरेक्शन। तो याद रखना, ये तो पता चला ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। अब इसके दो ही चीज पे ना गौर करने के लिए बताया गया था आपको, कौन कौन सा, एक मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डायरेक्शन पे, दूसरा किस पे, डायरेक्शन। बताइए मैग्नीट्यूड क्या हो गया बाबू, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, तो ये देखो ए क्रॉस बी ये वेक्टर है ना। अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं लिखे थे आप ऐसे, ए डॉट बी के ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो ए क्रॉस बी का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड ना, ये किसके बराबर होगा बताइए, ए इंटू बी इंटू व्हाट, साइन ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, याद रखिएगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी, यूनिट वेक्टर क्या लोगी ना है ए एंड बी। अभी कैसा होगा इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इस पर चर्चा करेंगे डायरेक्शन। देखो यहां पे तो आसानी से कर लोगे, ए डॉट बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही ना आएगा इधर जी, बताओ ए क्रॉस बी तुम लोग पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं अभी सिखलाऊंगा इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। ए क्रॉस बी तो इधर ही आया ना, ये परपेंडिकुलर है ना, तो देखो अगर ए क्रॉस बी का वेक्टर ए के साथ डॉट कर दोगे तो जीरो आएगा कि नहीं, अरे ए क्रॉस बी वेक्टर इधर रहा तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ए क्रॉस बी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है या नहीं है, अरे है, ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर रहा, ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर रहा, याद रहेगा। तो यहां पे याद रखना कि ए क्रॉस बी, याद करना है इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब, ए क्रॉस बी कौन सा बाबू, ए क्रॉस बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए होगा ना, और ए क्रॉस बी जो होगा दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेक्टर बी, अरे होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी तो जीरो हो जाएगा ना। तो अगर कभी भी यहां से अगर बात आ जाए ऐसे ए क्रॉस बी इज मेड टू डॉट विद वेक्टर ए, दैट विल बी जीरो, वेक्टर ए क्रॉस बी इज मेड टू डॉट विद व्हाट, वेक्टर बी, देन आल्सो इट विल बी जीरो, इज इट। तो डायरेक्शन क्या रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी एक प्लेन में लाई करेगा उसी के परपेंडिकुलर होगा, या तो परपेंडिकुलर में या तो आपके तरफ आ रहा होगा या तो आपसे दूर जा रहा होगा, या तो बोर्ड के अंदर जा रहा होगा या तो बोर्ड के बाहर जा रहा होगा, या तो ऊपर जा रहा हो प्लेन के या तो ऊपर के नीचे प्लेन के नीचे जा रहा हो, यही ना रहा होगा जी। पहले इतना कॉपी कीजिए फिर मैं बताता हूँ डायरेक्शन ना, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी, गौर करना जरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के लिए ना। देखो पहला बात तो याद रखना, किसी दो वेक्टर के बीच एंगल जो होता है हमेशा कहां से कहां लाई करता है, जीरो डिग्री से 180 डिग्री के बीच ही ना। अगर बात करोगे एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अगर ये थीटा है तो थीटा का रेंज क्या है, जीरो डिग्री से लेकर कहां तक, 180 डिग्री। कभी भी दो वेक्टर के बीच एंगल जब निकालते हैं, जैसे वेक्टर ए है ऐसे, वेक्टर ए और ये क्या है वेक्टर बी, तो आप बताइए छोटा वाला एंगल ही ना कंसीडर करा जाता है जी, यही ना एंगल रहा दोनों वेक्टर के बीच, ए वाला तो एंगल रहा नहीं। तो अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन लगाना है तो देखो फालतू की बात नहीं, ये देखो आपका राइट हैंड है, सबके पास राइट हैंड है, निकालिए तो जरा राइट हैंड ऐसे। अब देखो राइट हैंड का ये बोल सकते हो क्या, फ्रंट फेस और ये बैक फेस बोल सकते हो क्या, राइट हैंड का फ्रंट फेस ही दिखा और ये क्या है बैक फेस है, तो फ्रंट फेस में एक आंख शिफ्ट कर दो, मतलब यहाँ पे आंख लगा हुआ है, मतलब एक आई जो है, मतलब सोचो कि मेरा आंख यहाँ नहीं है, हम लोग का आंख यहाँ रहता, हम लोग का आंख यहाँ पे ना रह करके एक आंख यहाँ पे रहता, तीन आंख रहता, एक दो और एक यहाँ, ऐसा रहा। तो ऐसे सेट करना है, पहला बात तो याद रखना, जितना भी अगर बात करोगे पाम का, जितने भी फिंगर्स हैं तो चार फिंगर जो है वो एकदम स्ट्रेट है और ए क्या है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। आंख कहाँ पे शिफ्ट किए हो, इसका आगे पीछे तो नहीं है ना, अगर आंख आगे पीछे क्या है मैं देख पा रहा हूँ क्या, तो इधर कुछ देख पाएगा क्या,
तो इसको पहला वेक्टर के अलोंग प्लेस करो, इसको किधर रखो, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग। जैसे देखो अगर मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, किसका डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर यही ना रहा जी, ए फर्स्ट वेक्टर रहा और बी कौन सा वेक्टर रहा, सेकेंड वेक्टर। अरे समझ आ रहा है बाबू, चलिए अच्छा बात। तो आपको किधर रखना था इसको, पहले वेक्टर के अलोंग। फर्स्ट स्टेप में तो एंगल डिसाइड कर ही लोगे, फर्स्ट वेक्टर में मतलब फर्स्ट स्टेप क्या रहा आपका, एंगल फाइंड करना, पहला स्टेप में एंगल डिसाइड कर लो पहले ना, जो बोल रहा जा रहा है वही समझिएगा। किताब में बहुत कुछ दिया रहता है, बहुत कुछ दिया हुआ है, उस किताब वाला लैंग्वेज में नहीं समझना, इसको अपने लैंग्वेज में समझिए। पहला काम क्या करोगे, दोनों वेक्टर को टेल्स को कोइंसाइड कराओगे और क्या होगा, एरो डाइवर्ज कर रहा होगा तो एंगल पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या करोगे आप, याद रहा ना ये फर्स्ट वेक्टर के अलावा किसको रखोगे, इसको पाम को ना, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फिंगर्स ना, इसको रखोगे। अब इसको पहले वेक्टर के अलावा रखना है, ऐसा रखो कि ये दूसरे वेक्टर को देख सके। तो अगर पहला वेक्टर ए है तो ए वेक्टर ऐसे रखें या ऐसे रखें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ना, दूसरा वेक्टर को देख पाएगा क्या वो। तो पहला वेक्टर को रखा ऐसे, पहले वेक्टर के अलोंग, तो दूसरे वेक्टर को देखेगा ना जी वो। अब पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर के अलोंग कर्ल करो फिंगर को, अब ऑब्वियस है इधर तो नहीं मोड़ पाओगे ना। अब इच्छा जिधर कर्ल करना है करो, एकदम कर्ल करो। अब ये क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर आया कि नहीं, तो बोर्ड के बाहर आया कि नहीं आया, तो बोर्ड के जो बाहर आएगा उसको हम लोग इस नोटेशन से लिख दिखलाते हैं ऐसे डॉट से। इसका मतलब क्या हो, देख रहे डॉट दिए, सर्कल एक बनाया छोटा सा उसके अंदर डॉट दे दिए, ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउटवर्ड। बात समझ आया, अभी भी नहीं समझ आया, प्लेन में रहे तब तो इजी है। अब बताओ ए से बी की तरफ गए हो ना जी, तो क्लॉकवाइज गए हो एंटी क्लॉकवाइज, अरे घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, तो जब भी अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे ही नजर आने वाला है। तो बोले सर ये सीख गए तो बाबा की सीखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन यार प्लेन में ही थोड़े फेस करोगे आप, वहां 3D में दे देगा, चार्ज पार्टिकल को साउथ की तरफ फेंक दिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ था या मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड था, अब किधर जाएगा चार्ज पार्टिकल, किधर फोर्स फील करेगा, पढ़े हो ना फोर्स एक्सप्रेशन बाय चार्ज पार्टिकल प्लेस इन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी क्यू नॉट इनटू वी क्रॉस बी। तो उस सब में ना यूज करना है, क्यों सिंपली बैठ करके कर लेना है, ऐसे तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे तो पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज है बाबू, ऐसे क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे पहला वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर यही ना, फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, तो चलो यार ऊपर की ओर आएगा, किधर आएगा ऊपर की ओर आएगा, तो बी क्रॉस ए भी आसानी से बता सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बी क्रॉस ए आप बताइएगा, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा बताइए आप। एक तो पहला ये तरीका है ही, लेकिन इस तरीका पे विश्वास करो बी। अब देखो पहला वेक्टर बी ना हो गया जी हमारा, पहला वेक्टर क्या हो बी, ऐसे रखें या ऐसे रखें, ऐसे रखेंगे तो आंख तो आगे शिफ्ट करके रखे हो ना, आंख यहाँ ना है जी, अब इधर तो तुम्हारा तीसरा आंख जो है यहीं पे ना है, तो इधर तो दिखेगा नहीं ना, तो ऐसे रखना पड़ेगा। अब कर्ल करोगे तो किधर जाएगा, अंदर जाएगा कि नहीं, तो क्या हो गया इसका डायरेक्शन अगर बात करोगे तो क्या रहा, अंदर। इसको क्रॉस से दिखलाते हैं, किससे, सर्कल छोटा सर्कल के अंदर क्रॉस, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनवर्ड, गोइंग इनवर्ड। बात समझ आया, अच्छा अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला वेक्टर कौन सा जी, बी, बी से इधर आ रहे हैं ना आप, देखो ना यहीं पे देख लो, जैसे वेक्टर ए किधर था आपका, वेक्टर ए इधर था, अरे यही डायग्राम है ना, वेक्टर बी किधर है, इधर है। पहला स्टेप में क्या मैं बोला कि दोनों के बीच एंगल डिसाइड कर लो, तो उन पे एंगल डिसाइड करने के लिए दोनों के टेल को कोइंसाइड करना होगा, एरो डाइवर्ज कर रहे होंगे, उसके बीच का एंगल क्या रहा थीटा, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर ना जाओगे जी, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है बाबू, बी, बी से ए की तरफ जा रहे हो, बी से ए की तरफ जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही ना चलता है जी, तो ये क्या रहा ऐसा आएगा तो क्लॉकवाइज। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ये सब किसके लिए वैलिड है, केवल प्लेन में दोनों वेक्टर है तभी ना जी। जैसे एग्जांपल एक ये वेक्टर ए है, कौन सा वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर कौन सा है बाबू, वेक्टर बी, कौन सा वेक्टर है बी, कोई दिक्कत, यहां 6 थीटा है, मान लेते हैं थीटा, क्या करोगे सबसे पहले एंगल डिसाइड करना है ना,
एंगल डिसाइड करने के लिए क्या करो, टेल को कॉन्साइड कराओगे ना आप, तो टेल को कॉन्साइड कराओ, इसका टेल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो शिफ्ट करोगे ना, पैरेलल शिफ्ट करा जाता है ना। वेक्टर का सबसे खूबसूरत बात यही ना, अभी आप तक के फिजिक्स में आप लोगों को कहीं शिफ्ट करा सकते हो पैरेलली। अब वेक्टर इज मेड टू ट्रांसलेट पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन, ये सब बोला गया है बार बार ना। तो क्या करोगे, बी को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे ऐसे, अरे यही ना रहा। अब बताओ दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, ए थीटा है तो ये वाला कितना पाई माइनस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना पाई माइनस थीटा। अब बताओ आपका वेक्टर ए इधर हो गया ना जी ऐसे, और वेक्टर बी किधर हो गया इधर, यही ना है। अब इसके बीच बताओ ए एंगल तो डिसाइड कर लिया, पहला स्टेप क्रॉस कर गए। अब बताओ ए से बी की तरफ जा रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछा है ना, ए से बी जा रहे हैं आप, देखो ऐसे बताओ एंटी क्लॉकवाइज 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 जा रहे हैं ना आप, तो क्या हो गया इसका डायरेक्शन क्रॉस, क्या हो गया क्रॉस। समझ आया, कोई दिक्कत, आसान है ना। अब अगर ऐसे भी करते तो ऐसे भी कर सकते थे, ए से बी की तरफ ना, या ना, तो क्या हो गया क्रॉस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है जी बाबू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना। वर्टिसेस मैंने कंसीडर करा है ए बी और सी, ठीक है आप लोगों को पता ही है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड लेंथ क्या होंगे बराबर, और एंगल्स क्या होगा 60 डिग्री, इंटरनल एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। चलिए वेरी गुड, आप लोगों को डायरेक्शन बताना है, फर्स्ट ए बी क्रॉस बी सी का, सेकेंड एसी क्रॉस ए बी का, केवल डायरेक्शन की बात हो रहा है अभी, डायरेक्शन बताते वक्त मैं बार बोल रहा हूं एंगल प्रेडिक्ट जरूर करना, डायरेक्शन बताते वक्त एंगल प्रेडिक्ट जरूर करना। बीसी क्रॉस एसी याद करो, इसमें एबी वेक्टर किधर है, देखो यहां पे एबी वेक्टर इधर है ना जी, अब बीसी वेक्टर किधर है, इधर है ना। बताओ मैं क्या बोला हूं आप लोग को, सबसे पहला काम क्या कि टेल्स को कॉन्साइड करो, ए बी वेक्टर इधर है, ए बी वेक्टर इधर, अब बी सी वेक्टर क्या है, बी सी वेक्टर किधर है, इधर है, इसको शिफ्ट कर सकते ऊपर ना, अरे वेक्टर ऊपर चला गया तो ए वाला ए बी वेक्टर हो गया, कौन सा वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर ये हुआ, और ये कौन सा वेक्टर हुआ बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर हो गया ना, और ए वाला कौन सा बी सी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम। तो आप बताओ ए बी क्रॉस बी सी बताया गया, ए बी क्रॉस बी सी, तो किधर जा रहा है, ए बी से बी सी की तरफ ना गए हो, तो क्या होगा ए बी से बी सी गए हो ना, ए बी से बी सी की तरफ, तो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट ना, ये गलत ना हो गया, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गए, बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। ये पता चला, ए सी देखो एसी वेक्टर कौन सा है, देखो एसी वेक्टर इधर है ना, ए से सी की ओर डायरेक्टेड एसी वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर है एसी, गुड वेरी गुड। ये बताए ए बी वेक्टर इधर है ना, ए बी वेक्टर इधर है, अब बोला पूछा क्या गया एसी क्रॉस ए बी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस, यही ना जी। एग्जाम्पल थ्री याद है, इधर क्या होता है ईस्ट होता है, इधर क्या वेस्ट, और इधर क्या होता है नॉर्थ, और इधर क्या साउथ। चलो मैं मान लिया कि ऊपर डायरेक्शन क्या है, इधर देखो इधर कौन सा डायरेक्शन है आउटवर्ड, कोई दिक्कत, और इधर कौन सा डायरेक्शन है अंदर, समझ आया, कोई प्रॉब्लम। बताइए वेक्टर ए जो है वो इधर डायरेक्टेड है, और वेक्टर बी जो है वो ईस्ट के अलोंग है, किधर है अलोंग ईस्ट, अलोंग ईस्ट। अब बताइए आप लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताइए और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए। अब बताओ वेक्टर ए क्रॉस बी बताना, ए किधर है बाहर की ओर, ए इधर आ गया ना जी, और बी किधर है अलोंग ईस्ट, सही ना, ए क्रॉस बी ही तो बताना है,
ए क्रॉस भी देखो, इधर से इधर जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, तो क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन ही हो गया। कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ। अब एक अगर दिख गया आपको कहीं पे भी ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए जस्ट उसका तो उल्टा होता है ना, तो याद रखने क्या हो जाएगा, अलोंग साउथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, याद करो ए क्रॉस बी की बात किया हमने, ए क्रॉस बी क्या है बाबू, ए बी साइन थीटा एन कैप, याद है ना। अब ए नोन हो गया आप लोग के लिए, एन कैप क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी साइन थीटा क्या है, ए वाला पोर्शन, दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और एन कैप जो दे रहा है वो क्या दे रहा है बाबू, इसका डायरेक्शन। ऑब्वियस ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, आप कन्वेंशन अडॉप्ट किए हो ना, यही है ना आपका, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, एक्स, ये क्या था, वाई एक्सिस, और ये क्या था, जेड एक्सिस, यही ना हमारा थ्री डी सिस्टम जो चल रहा है जी, एंड ऑल दीज थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस भी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर कौन सा कंसीडर करते हैं हम लोग, आई कैप, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर कौन सा कंसीडर करके रखे हैं, जे कैप, जेड एक्सिस के लोग कौन सा, के कैप। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अब बताओ, पहले भी मैं बोला हूं आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड या जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन ना, ऑल दिज आर यूनिट वेक्टर्स, ऑल दिज आर यूनिट वेक्टर्स, एंड व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन आई एंड जे, एंगल बिटवीन आई एंड जे इज दैट 90 डिग्री और नॉट, आई कैप और जे कैप के बीच 90 डिग्री एंगल है ना। अच्छा, अगर बात करा जाए एंगल बिटवीन आई एंड आई, अगर बात करा जाए एंगल बिटवीन आई एंड माइनस आई 180 डिग्री, अरे यही ना, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो वन ही होगा ना, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज व्हाट 90 डिग्री, एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप 0 डिग्री, एंगल बिटवीन आई कैप एंड माइनस आई कैप ऑब्वियसली दैट विल बी 180 डिग्री। याद करो, अगर हम लोग को I क्रॉस I लिखना है तो याद करो, अभी जस्ट पढ़े है ना आप लोग, A क्रॉस B क्या है, AB साइन थीटा n कैप, तो मैग्नीट्यूड लिखिए पहले 1 इंटू साइन 90 डिग्री होगा ना जी, I कैप I कैप के बीच कितना एंगल है, सॉरी 0 डिग्री ना, कौन सा 0 डिग्री इंटू व्हाट n कैप, तो ये क्या हो गया जी 0 हुआ, I क्रॉस I क्या होगा हमेशा 0। वैसे ही अगर देखिएगा आप जे क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा जी, 1 इंटू साइन 0 एन कैप, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 वेक्टर है, नल वेक्टर पढ़ाया था ना, नल वेक्टर पढ़ाया हो ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या 0, इसको हम लोग स्केच कर सकते हैं ग्राफिकली, क्या इसका हेड और टेल एक ही जगह कौन साइड कर रहा है, बात बोला गया, तो इसको ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे ही लिखिएगा ठीक है ना। वैसे ही के क्रॉस के भी क्या होगा बताइए, ये 0 ही वेक्टर रहा ना, मतलब 0 हो गया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात करा जाए आई क्रॉस जे, तो बताइए आई क्रॉस जे क्या होगा, याद करो आई किधर है, इधर, और जे किधर है, इधर, तो ऐसे देखो आई इधर है और जे इधर है ना जी, तो क्या हो जाएगा, आई से जे की तरफ जाओगे तो के कैप की तरफ गया कि नहीं, तो आपका पहले मैग्नीट्यूड इसका लिखते हैं आप, तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री लिखते इंटू व्हाट, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप, तो एन कैप यूनिट ही वेक्टर ना है, तो आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर अगर बात करोगे आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर तो कौन सा कैप, के कैप, तो क्या हो जाएगा के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 91 ही ना जी, तो ये तो के कैप हो गया ना केवल, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया के कैप, कोई प्रॉब्लम। वैसे ही बताइए जे क्रॉस के भी कर लोगे तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा बताइए, जे देखो जे क्रॉस के इधर आ रहा है ना, तो क्या लिखते हैं आप 1.1 इंटू व्हाट साइन 90 डिग्री, कौन सा कैप आई कैप, ये आई कैप हो जाएगा। वैसे ही बताइए आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या हो जाता, देखो के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई किधर जाएगा, जे कैप,
तो क्या हो जाएगा, वन इंटू साइन 90 डिग्री कौन सा कैप बाबू, जे कैप, ये क्या हो गया जे कैप। तो आप लोग ऐसे याद रखना, इसका याद रखने का दूसरा तरीका भी है, ये सब तो आपको समझा हुआ है ना, लेकिन जब भी आपको याद करना हो तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको, साइक्लिक ऑर्डर में याद रखना, कौन सा ऑर्डर है ये, साइक्लिक ऑर्डर में। सारे यूनिट वेक्टर को एक अप्रोच है, केवल अप्रोच है ऐसे, ये नहीं, मेन तो यही है आपको ऐसे ही सीखना है, लेकिन एक अप्रोच है, इसको याद रख लीजिए कैसे, ऑर्डर में लिखिएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहा, सेम सेंस में रोटेट करा आगे, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के, जे क्रॉस के क्या आ गया, आई, के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जे। और अगर ऑर्डर चेंज हो गया, जैसे अगर बोल दिया जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस, जे क्रॉस आई। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव ना, तो आप बताइए आई क्रॉस जे डायरेक्ट याद रह जाएगा, आई क्रॉस जे ठीक, कोई प्रॉब्लम, जे क्रॉस के, अरे बोलना रे क्या बचा, बस ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अब बताओ के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कौन सा जी होगा, अगर आपसे पूछा जाए जे क्रॉस के बजाय मैं पूछ दू के क्रॉस जे, हाँ ऑर्डर चेंज हो गया ना, के क्रॉस जे, तो क्या बचाओ माइनस आई का। अब बताइए अगर बोल दिया जाए जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस, याद रहेगा। और सिंपल सा फंडा है यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, आई क्रॉस जे अगर के रहा, आई क्रॉस जे क्या रहा, के रहा, तो बताइए जे क्रॉस आई क्या रहता, माइनस के रहता कि नहीं, जे क्रॉस आई क्या रहता, माइनस के, केवल और लिखा हुआ सब सही है, केवल अरेंज कर दे रहा हूँ। अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, आई क्रॉस जे अगर ऊपर आ रहा है तो जे क्रॉस आई नीचे जा रहा होगा कि नहीं, अच्छा जे क्रॉस के आई है तो बताइए के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा ना, कोई प्रॉब्लम है, अच्छा के क्रॉस आई अगर जे है तो आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, बात समझ आया, कोई दिक्कत है, ये ऑर्डर याद रखिएगा हर जगह ना। लेकिन कभी कभी एक ही वेक्टर मिल जाता तो हमेशा आप उसको ऐसे आसानी से याद रहेगा, तो याद कर लोगे तो सॉल्व करने में सहूलियत होगा ना। मान लेते कभी आई वेक्टर को ही मल्टीप्लाई करने के लिए दिया, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस के साथ दे दिया ये, या थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप को दे दिया, तो आई से अगर मल्टीप्लाई करना तो आसानी से डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर लोगे, इसको भी आना जरूरी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, याद रखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये क्या था आपका, आप पहले ही जान चुके हो ये मैम, या फिर हम लोग जो एडॉप्टेड साइन कन्वेंशन है जो लोग प्रचलन में है जो यूज होता है, वो ईस्ट है और ये क्या है डायरेक्शन, वेस्ट है और ये क्या है बाबू, ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ। जब भी क्वेश्चन इस तरह का अगर मिले कहीं पे भी, जैसे चार्ज पार्टिकल का प्रोजेक्शन वगैरह का पूछ देगा, कहीं पे भी अगर इस तरह का जरूरत पड़ा तो आप सिस्टम अपना सेट करो, समझ आ रहा है, हमारा मैपिंग तैयार है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, वर्टिकली अपवर्ड के लिए हम लोग ए रखे हुए हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए हम लोग ए रखे हुए, मतलब क्लियर कट हो गया हमारा, क्या ईस्ट के लोग हम लोग कौन सा कैप मानेंगे, आई कैप, वेस्ट के लोग कौन सा, माइनस आई कैप, नॉर्थ के लोग कौन सा और साउथ के लोग कौन सा, माइनस ए, और इधर जो आ रहा है देख रहे हो बाहर की ओर आ रहा है ना, इसके लॉन्ग के कैप और इसके लॉन्ग माइनस के कैप, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब जैसे अगर बोल दिया कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है वो अंदर की ओर है, वेक्टर किधर है, अंदर की ओर, अब वेक्टर बी जो है वो किधर है, किधर, बोलो आप लोग खुद बोलो, दोनों बाहर रहा था तो खत्म ही है जी, बी बताओ, बी बताओ प्राची बताओ, वेक्टर बी किधर कंसिडर करना है, ये मत बोल, नॉर्थ बोलो या साउथ बोलो, क्या नॉर्थ ना, अलोंग नॉर्थ, हम लोग को यही करना है। अब आपसे पूछा जाके बताइए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, इसका डायरेक्शन बताना है, तो आप क्या करोगे, बी क्रॉस ए, बी किधर है, नॉर्थ के अलोंग ना, पहला वेक्टर बी हो गया हमारा, तो बताओ बी अगर नॉर्थ के अलोंग है तो नॉर्थ के अलोंग कौन सा कैप, जे कैप, ए है क्रॉस तो क्रॉस किधर, माइनस के कैप, हो गया है कि नहीं, तो अब बताओ माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस
ठीक होगा, क्लियर। अब जे क्रॉस के क्या होता है, देखो जे क्रॉस के आई होता है क्या, क्या हो गया माइनस आई का, देखो तो आई का माइनस आई का किधर आ रहा है, तो डायरेक्शन बता देंगे इसका डायरेक्शन किधर हो गया वेस्ट में, कोई कंफ्यूजन रहा क्या, हाथ घुमाने की जरूरत पड़ेगा कॉपी वगैरह पे, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ आया, किधर हो गया इसका डायरेक्शन जी अलोंग वेस्ट, लगता है नहीं समझा पाए, अब अगर बताओ आप खुद बताइए, अरे समझ आया ना, बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताइए जरा, ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन मुझे चाहिए, आप बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, ये बताइए क्रॉस है ना, क्रॉस के अलावा कौन सा कैप है हमारा, माइनस के कैप, कौन सा कैप है माइनस के कैप, वेरी गुड, क्रॉस बी के अलावा कौन सा वेक्टर है, हालांकि डायरेक्ट देख के बता ही सकते हो यहाँ पे वेस्ट है तो ईस्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए रहा हूं, बताइए माइनस बाहर आया के क्रॉस जे, आप खुद बताओ के क्रॉस जे क्या है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप है, माइनस ऑफ माइनस आई कैप क्या हो गया प्लस आई कैप, देखो किधर है एक्स के लॉन्ग है कि नहीं, बात समझ आया, चलो एक क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ फिर बात करूंगा, बताइए वेक्टर ए ले लो, बताओ शुभम आप बताओ वेक्टर ए किधर कंसीडर करना चाहते हो, अंदर बाहर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ क्या, साउथ ले लेता हूँ, चलो अलोंग साउथ, चलो ए को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अलोंग साउथ, वेक्टर भी बताइए बाबू, वेक्टर बी अपवर्ड, चलो वेक्टर बी क्या है अपवर्ड कंसीडर करा इन्होंने, मतलब किधर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं ऐसे, आप अगर जिनसे पूछो बता सकते हैं ना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जी, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बता सकते हो ना आप लोग, ए क्रॉस बी अगर पता चल गया तो बी क्रॉस ए तो खुद ब खुद पता चल ही ना जाएगा जी, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री, बात समझ नहीं आया, तो बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आप बताइए, ए है तो ए के लॉन्ग क्या है साउथ, साउथ के लॉन्ग ए है ना जी, साउथ किधर है, साउथ किधर है, देखो साउथ किधर है इधर है ना, तो क्या हो गया माइनस जे, क्रॉस बी किधर है तो बताइए माइनस बाहर आ गया, जे क्रॉस के बताइए जे क्रॉस के क्या होता है आई, जे क्रॉस के क्या होता है आई, जे क्रॉस के आई ना, तो क्या होगा माइनस आई, किधर वेस्ट ही आ गया ना, आप फिर करके देख सकते हो, किधर था ये ए अलोंग साउथ इधर है ना, और ये किधर है ऊपर है ना, तो देखिए साउथ से इधर जाओगे साउथ से इधर वेस्ट ही ना आएगा, समझ आया डायरेक्शन में कोई दिक्कत, समझ आया क्लियर ना, कैन आई स्टॉप राइट नाउ।